आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 1 से 5 जुलाई का करंट अफेयर जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और क्लास स्टार्ट करवाने से पहले पूरे स्पष्ट तौर पर बोल दूं, अगर करंट अफेयर में आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करें और बहुत कम समय में मेरा सारा करंट अफेयर कम से कम ये टॉपिक पूरा कवर हो जाए ना, तो याद रखिएगा कल से रोज सुबह में 8 बजे आपका लाइव क्लास जो है वो चलेगा करंट अफेयर का। और कोशिश करूंगा ना बहुत कम समय में आपका रोज का करंट अफेयर जो है वो कवर करवा दे। तो टाइम याद रखिएगा रोज सुबह में 8 बजे। और आज कवर करेंगे 1 से 5 जुलाई के करंट अफेयर। और एक बात याद रखिएगा, आप आगे क्या करने वाले हैं वो आपके आज के मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो लोग तो बोलते रहेंगे, क्या लिखा है यहां पर, जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनको छूने की औकात नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है, 99% लोग इससे हमारे सहमत होंगे। तो फिर लाइफ में आगे बढ़ो मेहनत के भरोसे पर। और आज का पहला, और हाँ, इसका सारा का सारा पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगा, तो इसका सारा पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर, जिसका नाम क्या है आपका, सक्सेस जगह छोड़कर T98, यहां पर पीडीएफ का लिंक शेयर कर देंगे, आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और जज करते रहिएगा कितने क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं, और एक एक टाइम को ना, एक एक पल को बहुत इंपॉर्टेंट लो, ताकि ये आने वाला पल जो भी आएगा ना वो आपका बहुत खूबसूरत हो इस मेहनत के बलबूते पर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस किस दिन मनाया जाता है। अगर एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलता, कितने लोग इसका आंसर 1 जुलाई बोलकर आते, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी। जो सीए बनते हैं ना, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वही बोल रहा है वह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, 1 जुलाई को। और एक बात याद रखिएगा, भारत का पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन था, ये आप बताओ, किसी को पता है, अगर एग्जाम में पूछ दे आप सभी से पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया का कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, आप एकदम बोलिएगा कहीं से करंट अफेयर हम पढ़े थे और इसमें ये नाम ना सुना सुना लग रहा है, तो मार कराइएगा आप सभी क्या, सीए गोपाल दास पद्मसे कपाडिया। एकदम याद रखिएगा, पहला भारत का पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, गोपाल दास पद्मसे कपाडिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला, झारखंड राज्य सरकार, और झारखंड राज्य सरकार ने क्रिकेट संघ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, एक स्टेडियम का गठन करने के लिए ना बीएसएल के साथ जो है एक डील साइन किया। बीएसएल क्या होता है भैया, अरे बोकारो स्टील प्लांट, नाम सुने हैं बोकारो स्टील प्लांट। अच्छा, एग्जाम में तो काफी बार पूछा गया बोकारो स्टील प्लांट का जो निर्माण किया गया था वो किस देश की सहायता से किया गया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कितने लोगों को इसका आंसर पता है। मैं रोज बोलता हूं करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ो, बीएसएल यानी बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण 1965 में सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया था, किसके सहायता से, सोवियत यूनियन के सहायता से 1965 में। और ये कहां पर बनेगा, और ये स्टेडियम कहां पर बनेगा, तो ये स्टेडियम बनेगा आपका बोकारो में, ठीक है। झारखंड का राजधानी रांची है, हेमंत सोरेन यहां के मुख्यमंत्री, द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल, रवि रंजन मुख्य न्यायाधीश, 6 लोकसभा और 6 राज्यसभा सीट और 14 लोकसभा सीट। एकदम करंट अफेयर को डेली खत्म करो, ये नहीं ना कि आज का 10 दिन के बाद पढ़ लेंगे, तो देखो मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब करंट अफेयर का भी बोझ जो है आपको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो डेली 15-20 मिनट दो। मैं बोल तो दिया हूं कल सुबह 8 बजे से रेगुलर आपका क्लास होगा और डेली पीडीएफ दूंगा, वो 15-20 मिनट का क्लास देखो और आपका करंट अफेयर खत्म, यानी झंझट खत्म डेली का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, भारतीय नौसेना, अच्छा भारतीय नौसेना का अगर प्रश्न एग्जाम में अगर जैसे ही प्रश्न में नाम उठता है इंडियन नेवी का, पहले दिमाग में क्या आता है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष यानी प्रमुख कौन है, तो करमबीर सिंह, कौन, करमबीर सिंह। एकदम याद रखिएगा, भारतीय नौसेना ने ना दक्षिण कोरिया नौसेना, यानी भारतीय नौसेना
और दक्षिण कोरिया नौसेना दोनों मिलकर ना एक अभ्यास किया है। ये अभ्यास कहां पर किया गया है? तो पूर्वी चीन सागर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और दक्षिण कोरिया सेना का, सेना बोल रहा हूं, दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल सभी को पता होना चाहिए, वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? साउथ कोरियन ओन, ठीक है। और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? मून जे इन। एकदम मुंह के ऊपर बोलो भाई, मेरे साथ साथ आप कम से कम रिपीट करिए, आप मेरे साथ साथ रिपीट करिए 15 से 20 मिनट। जो जियो का डाटा है ना, आप जियो जो का जो डाटा मिलता है डेली 1.5 GB 2 GB, आप फिल्म कॉमेडी फेसबुक व्हाट्सएप में खत्म करते हैं। मैं बोलूंगा ना कम से कम 15-20 मिनट के लिए आप बचा कर रखो, ये करंट अफेयर एग्जाम में काम आएगा, आपके भविष्य को यही बनाएगा भाई। आगे चाहेंगे ना हजारों फोन आप खरीद सकते हैं अगर नौकरी लग गया तो, अगर नौकरी नहीं लगा ना तो ये जो जियो का डाटा आप बर्बाद कर रहे हैं दूसरे चीज में ना, कल जियो का डाटा भराने का पैसा भी नहीं रहेगा। सच्चाई बता रहा हूं मैं आप सभी को, एकदम मेरे साथ साथ बोलो। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, क्या नाम है? मुकुल गोयल। एकदम दिमाग में कान में बैठा लेना, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को जो है वो नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। कहां का? उत्तर प्रदेश का। कहां का? उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी कौन होगा? मुकुल गोयल। उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी मुकुल गोयल। उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी मुकुल गोयल। बोलो मेरे साथ साथ दिमाग में चिल्ला चिल्ला कर, हम चिल्ला रहे हैं आप दिमाग में चिल्ला। उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी मुकुल गोयल। योगी आदित्यनाथ तो वहां के मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। आनंदीबेन पटेल कौन है? तो राज्यपाल है। 80 लोकसभा और 31 राज्यसभा सीट है। देखो यहां पर 80 लोकसभा 31 राज्यसभा सीट है। और मुनीश्वर नाथ भंडारी कौन है? मुख्य न्यायाधीश है। एकदम याद रखिएगा ये क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी मुकुल गोयल, मुकुल गोयल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ना साहित्य के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में लेखक जो किताब आंसर लिखता है, आंसर बोल रहा हूं, जो कविता लिखते हैं ना लेखक, उस क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम क्या है? उस पुरस्कार का नाम है आपका कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार अवार्ड। 2020 का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो उड़िया, उड़ीसा का एक लेखक है, उड़िया लेखक है, उनको दिया गया। उनका इनका नाम है क्या? इनका नाम है आपका राजेंद्र किशोर पांडा। राजेंद्र किशोर पांडा एक उड़िया लेखक है जिनको कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नाम क्या है? राजेंद्र किशोर पांडा एक उड़िया के लेखक है जिनको 2020 का कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? एक किताब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। क्यों भैया? क्योंकि ना इस किताब को किसने, इस किताब का उद्घाटन किया है? चीफ जस्टिस एनवी रामन, इन्होंने किताब का उद्घाटन किया है, ठीक है। किताब का नाम क्या है? एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, ये किताब का नाम है। एक बार बोलो किताब का नाम क्या है मेरे साथ साथ, जितने लोग भी देख रहे हैं दिमाग में कम से कम बोलिए, आप मुझे मत देखिए, आप पढ़िए मेरे साथ साथ। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, इस किताब को लिखा गया है आरवी रविंद्रन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, आर बी रविंद्रन। और इस किताब का उद्घाटन किसके शुभ हाथों से करवाया गया है? तो चीफ जस्टिस एनवी रामना के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? शतरंज के इतिहास में जब से चेस खेला जा रहा है, जब से शतरंज खेला जा रहा है धरती के ऊपर, आज तक ना इतनी कम उम्र में कोई आज तक चेस प्रतियोगिता नहीं जीता है, कोई आज तक ग्रैंड मास्टर नहीं बना है चेस का, कम इतने कम उम्र में। इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका अभिमन्यु मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए, मात्र 12 साल के उम्र में ना ये ग्रैंड, और ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब मैं बोलता हूं क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर यानी प्रतियोगिता जीतकर ग्रैंड मास्टर बन गए कौन? अभिमन्यु मिश्रा। और एग्जाम में पूछ दे वो कितने साल के हैं तो आप बोलेंगे साल पढ़ाई नहीं है, तो हम बोलेंगे देखो मैंने लिखा था 12 साल। कितना? 12 साल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अंबेडकर स्मारक की आधारशिला कहां पर रखी है? आपको पता है ना, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो उत्तर प्रदेश के यात्रा पर गए थे, और उत्तर प्रदेश की यात्रा में जाते वक्त ना लखनऊ में जो है वो कौन, बाबा अंबेडकर का स्मारक का जो है वो उद्घाटन आधारशिला रखा था, कौन? रामनाथ कोविंद। आप देख पा रहे होंगे बगल में कौन कौन है, देखिए ध्यान से, ये बाबा साहेब कौन है, ये राष्ट्रपति जी योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, एकदम याद रखिएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सातवें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की मेजबानी किस देश ने की है? अब क्वेश्चन को समझना आप सभी, देखो आप सभी जितने भी मेरे भाई बहन हैं, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर के अगल बगल जितना भी देश है ना, श्रीलंका है, इंडिया है, जितना भी देश है, सिंगापुर है, जो जो इंडियन ओशन हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, उन लोगों के बीच में एक समारोह हुआ है। क्यों हुआ समारोह भैया? ताकि ना हिंद महासागर में कोई लूटपाट ना हो पाए। आपको पता है बहुत सारा व्यापार जो है वो समुन्द्र के यात्रा से होता है, तो समुन्द्र से अगर मान लीजिए बहुत सारा माल आ रहा है और माल कोई डाकू लूट लिया, समुद्री डाकू, तो इन सबको रोका जा सके, और जो भी हिंद महासागर के अगल बगल जो भी व्यापार करते हैं जो भी देश, उन लोगों के बीच व्यापार हो सके ना, इसके लिए सातवें हिंद महासागर नौसेना संगठन का मेजबानी कौन करेगा? फ्रांस में हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या? फ्रांस में। अगर मैं बोलूं फ्रांस का राजधानी, आप बोलेंगे लिखे ही नहीं है, फ्रांस का राष्ट्रपति आप बोलेंगे कहां पर लिखे, हम कैसे बताएं? हम काफी बार चिल्ला चिल्ला कर बताए हैं फ्रांस का राजधानी क्या है, पेरिस है। अगर मैं बोलूं फ्रांस में मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, मुद्रा पैसा, तो आप बोलेंगे सीएफपी फ्रैंक। आप बोलेंगे ये कैसा है, बोलेंगे कैसा भी हो आप पढ़ो एक बार सीएफपी फ्रैंक। एक बार बोलो मेरे साथ साथ, जो फ्रांस में पैसा चलता है ना उसको बोलते हैं सीएफपी फ्रैंक, या फिर कभी कभार देखोगे यूरो भी चलता है। क्या चलता है? यूरो भी चलता है वहां पर मुद्रा के तौर पर। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आप बोलिएगा इमानुएल मैक्रोन। भैया याद नहीं हो रहा है, मेरे साथ साथ बोलो यार, इतना पसीना गिर रहा है ना, किस लिए? आपके कामयाबी के लिए, आपके मेहनत के लिए। तो कम से कम आप बैठ के फोन में देख रहे हैं, तो कम से कम दिमाग में चिल्लाओ, तो कम से कम फ्रांस का राष्ट्रपति का नाम इमानुएल मैक्रोन है। हम ये आखिरी बार पढ़ रहे हैं, दोबारा नहीं पढ़ेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में। अगर अब पूछेगा तो हम फटाक कर आंसर देंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम इमानुएल मैक्रोन है। और कल से डेली सुबह में 8 बजे आपका करंट अफेयर का क्लास चलेगा, और जियो का डाटा बर्बाद ना कर 15 मिनट क्लास देखिएगा, क्योंकि मैं बोल चुका हूं अगर ये 15 मिनट क्लास देख लोगे ना भाई, आपका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखो करंट अफेयर का बोझ मत बनाओ, डेली का डाटा डेली खत्म करो, वरना कल तो नौकरी नहीं लगा ना, तो ये डाटा भराने का पैसा भी नहीं रहेगा। तो डाटा को सही जगह इस्तेमाल करो। राष्ट्रपति का नाम इमानुएल मैक्रोन, इमानुएल मैक्रोन। सीएफपी फ्रैंक क्या है? मुद्रा है फ्रांस का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, दूती चंद धावक, दूती चंद सभी कोई नाम जानते होंगे इन बेटी का, इसकी इनके ऊपर ना एक किताब लिखा गया, किताब का नाम क्या है, किताब का नाम है आपका फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। ये पुस्तक को लिखा किसने, ये जो किताब है इस किताब को लिखा गया है संदीप मिश्रा के द्वारा, दूती चंद के ऊपर एक किताब लिखा गया है मिश्रा जी के द्वारा, संदीप मिश्रा। क्या मैंने बोला? संदीप मिश्रा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, श्री हर नटराज ने 2020 ओलंपिक, आपको पता है 20 में हुआ नहीं, अब 21 कर दीजिए, 2021 का टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, वो किस खेल संबंधित है, ये किस खेल से संबंधित है भारत के जो टोक्यो को क्वालिफाई किए, ये तैराक है। ऑप्शन नंबर आपका स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग के लिए मैंने आपको करंट अफेयर में ही 1-2 दिन पहले दो आदमी का और नाम बताया था जो स्विमिंग के लिए क्वालिफाई किए थे। नाम किसी को पता है भैया? हम भूल गए। अरे भूलने से काम चलेगा? मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर पढ़ा रहा हूं, बहुत लोग बोलते हैं भैया आप तो क्लास देखते हैं ना, हमको क्लासे में सब याद हो जाता है, उसके बाद हम पीडीएफ भी देते हैं कि आप एक बार कम से कम क्लास खत्म होने के बाद 2 मिनट का समय लगेगा रिवीजन कर लीजिए। 2 लोग थे याद है ना, आदमी से एक सज्जन प्रकाश,
कौन? सज्जन प्रकाश, ये भी क्वालिफाई किए, ये भी भारतीय तैराक है। और महिला से मान्ना पटेल, कौन? मान्ना पटेल, ये भी एक महिला है, ये भी एक तैराक है, भारत तरफ से क्वालिफाई किए। तीन लोग का नाम याद रखिए, कौन कौन? तो एक सज्जन प्रकाश पुरुष से, और कौन आपका? श्रीहर नटराज। और महिला से तो मान्ना पटेल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के डेट में सभी लोग बोल रहे हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद करिए, कैंसर फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि पता है ना प्लास्टिक एक ऐसा चीज है जो खत्म ही नहीं हो रहा है। प्लास्टिक अब देखो सब चीज खत्म हो जा रहा है, प्लास्टिक खत्म नहीं हो रहा। आपको पता है प्लास्टिक से, कचरा से अब रोड बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उपयोग में लाया ना, क्योंकि प्लास्टिक क्या जानलेवा एक चीज है। इसीलिए सरकार बराबर बोलती है प्लास्टिक को बंद करो, बंद करो, प्लास्टिक को बैन करो। तो याद रखिएगा, इसलिए ना अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हम प्रतिवर्ष 3 जुलाई को मनाते हैं। कब? 3 जुलाई को मनाया जाता है। और कितना लोग ना 3 जुलाई को प्लास्टिक में भर भर कर सेव, टमाटर, सब्जी लेकर बाजार से आए होंगे, उनको पता भी नहीं होगा आज पूरा विश्व ना पूरा दुनिया प्लास्टिक को बैन करने के लिए दिवस मना रहा है, और वो उसी दिन प्लास्टिक से भर भर कर सामान ला रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। अब याद रखिएगा 3 जुलाई का दिन है वो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, सबसे अभी जिंदा है सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति, कितना साल है भैया इनका उम्र ना? 112 साल है अभी तक ये जिंदा है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है इनका एमेलियो फ्लोरेस मार्कस। ये आदमी ना 112 साल की उम्र में दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है। वह किस देश से ताल्लुक रखते हैं? तो प्यूर्टो रिको, ऑप्शन नंबर सी। इस देश का ये नागरिक है जो अभी भी जिंदा है। इतना ज्यादा उम्र का आदमी अभी तक इस धरती पर जिंदा नहीं है, ऐसा बताया गया है। इनका नाम क्या है भैया? एग्जाम में पूछ दे तो भैया याद रखिएगा, मेलियो फ्लोर्स मार्कस। कहां का है? प्यूर्टो रिको का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है ना जनक शुद्ध शुद्ध सूर्य। अच्छा, यह एक पुस्तक है जनक सूत सूत सौर्य नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? देखो हमारे देश में ना रामायण बहुत भाषा में लिखा गया है। आप हम लोग टीवी पे देखते होंगे वाल्मीकि जी का रामायण, तुलसीदास का रामायण, यही हम लोग यही सुने, हम लोग यही पढ़े हैं, हम लोग बचपन में यही देखे हैं। लेकिन आपको बता दूं जानकारी के लिए, हमारे देश में ना धरती पर रामायण बहुत सारा भाषा में लिखा गया है, उसी का एक हिस्सा उत्तर रामायण। उत्तर रामायण को ना समझाया गया है इस किताब में, उत्तर रामायण को। उसका नाम क्या है? तो जनक सूत सूत सौर्य। इस किताब को लिखा गया है गौरी शंकर शर्मा जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी। आहा, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया? अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ, ये क्वेश्चन है, आप बैठे हैं एग्जाम में, अब आंसर बोलिए। अब आधा लोग बोलेंगे इसका आंसर है नहीं पता है हमको, कैसे बताएं हम सभी। और कुछ लोग ये छाप लिए होंगे, नाम पढ़ लिए होंगे तो बता देंगे, अभी भी देख रहा है अशोक चटर्जी चक्रवर्ती, तो नाम बोल देंगे आप सभी। लेकिन अगर ये फोटो नहीं होता तो आप क्या बोलते हैं? अगर पूछता द स्ट्रगल विद इन अ मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक चक्रवर्ती के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना भाई, एक एक क्वेश्चन करंट अफेयर का जान है, जान कलेजा है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा भाई। क्वेश्चन क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, एक नया इतिहास बन चुका है। क्या है क्वेश्चन? कस्टन वारहोम। इस आदमी का नाम है कस्टन वारहोम, ये आदमी कहां का है बाबू? ये आदमी नॉर्वे का है। कहां का है? नॉर्वे। कहां का है? नॉर्वे का। ये कस्टन वारहोम कहां का है? नॉर्वे का। ये किया क्या है भैया? अरे भाई 400 मीटर का दौड़ होता है ना, उसमें ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इतनी जल्दी दौड़ा है ना, आज तक इतना कम समय में
400 मीटर का रेस कोई पूरा ही नहीं किया, ये रिकॉर्ड बना दिया आदमी। ये नॉर्वे का रहने वाला है, नाम क्या है, नाम है कस्टन वारहोम। 46.70 सेकेंड में ये 400 मीटर दौड़ गया। कितना में? 46.70 सेकेंड में ये 400 मीटर का रेस दौड़कर पूरा इतिहास रच दिया है। ये नॉर्वे का रहने वाला है, इसका नाम है कस्टन वारहोम। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो, हम लोगों के गांव भर में या शहर में 40 डिग्री का अगर तापमान आ जाए ना, लोग बोलने लगेंगे कितना गर्मी है, एसी लगाइए, पंखा के नीचे बैठो, कूलर के नीचे बैठो। लेकिन आपको बता दूं, अब तक का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है पाकिस्तान के, कहां पर, जोकाबाबाद में। पाकिस्तान में एक शहर है जिसका नाम क्या है, जोकाबाबाद। यहां पर अब तक का सबसे ज्यादा तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया, कितना, 52 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे, कितना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देखो अभी आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, आपको दो दो डोज लगाना पड़ रहा है, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो। कोवैक्सीन भारत का है, कोविशील्ड किसका है, ब्रिटेन का है, इंग्लैंड का है कोविशील्ड, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। ठीक, अब ना एक ऐसा वैक्सीन मार्केट में आने वाला है जो आपको दो डोज नहीं लेना पड़ेगा, एक ही डोज लो काम हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, फाइजर। इसको कौन बना रहा है भैया, तो इसको बनाया जा रहा जॉनसन एंड जॉनसन और जर्मनी की कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा, जर्मनी की कंपनी के द्वारा। मात्र एक डोज लीजिए, कोरोना मुक्त रहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कल्पना चावला के बाद स्पेस में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला का नाम आपको बताना। कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन है, एकदम याद रखना, नाम क्या है, सिरसी बंडाला। और एग्जाम में अगर पूछ देना ये किस राज्य से हैं, आप एकदम बोलिएगा सक्सेस की 98 के करंट अफेयर में पढ़े थे, आंध्र प्रदेश की ये महिला रहने वाली। भारत के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि कल्पना चावला के बाद कोई दूसरी भारतीय महिला है। अब आप बोलेंगे भैया सुनीता विलियम्स भी तो भारतीय थी, यार भारतीय जन्म हुआ था लेकिन वो क्या, अमेरिकन थी, लेकिन कल्पना चावला प्योर इंडियन थी। उसके बाद ना सिरसा बंडाला भी प्योर इंडियन है, जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। तो कल्पना चावला के बाद दूसरी भारतीय महिला कौन है जो अंतरिक्ष उड़ान भरेगी, क्या नाम है, सिरसा बंडाला, कहां से है, आंध्र प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, सेना प्रमुख कौन है भाई, भैया सभी को पता है एमएम नरवाने। किस देश के साथ, भारतीय नौसैनिक के लिए ना, किस देश के साथ मिलकर भारतीय नौसैनिक के लिए एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे, कहां पर, इटली में। कहां पर, ऑप्शन नंबर ए इटली में। इटली का राजधानी रोम, यूरो मुद्रा सर्गियो मैट्रेला, यहां के राष्ट्रपति का नाम है इटली का। अगला क्वेश्चन, महिला क्रिकेट के सभी प्रारूप में यानी T20 बोलो, टेस्ट बोलो, वनडे बोलो, तीनों मिलाकर सबसे ज्यादा रन मिताली राज के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा, मिताली राज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देखो बता दे रहा हूं, कर्नाटक का नया राज्यपाल बना है। अब तक आप तक क्या पढ़ते थे कि कर्नाटक का राज्यपाल कौन है, बजूभाई बाला। अब उसको दिमाग से हटाइए, दिमाग के मेमोरी से उसको डिलीट मार दीजिए, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, बजूभाई बाला। अब कर्नाटक का नया राज्यपाल कौन होगा, थावर चंद गहलोत, ऑप्शन नंबर सी। एकदम याद रखिएगा, 28 लोकसभा 12 राज्यसभा सीट है, येदियुरप्पा साहब यहाँ के मुख्यमंत्री है, और अभय श्रीनिवास ओखा जो है मुख्य न्यायाधीश है कर्नाटक के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण जो किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है, किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व, क्या कौन सा बन गया है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण। अब रामगढ़ सुनकर ना झारखंड तो ऑप्शन में नहीं, झारखंड में छोड़ दीजिए, झारखंड में भी रामगढ़ बहुत फेमस जगह है, तो झारखंड मत मार दीजिएगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण जो है वो किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है, तो आपका कहां का, राजस्थान का। इसके पहले तीन वो जो टाइगर रिजर्व था उसका नाम क्या क्या है भैया, देखो एक बार, पहला आपका सिरसा टाइगर रिजर्व, दूसरा रणथंभौर टाइगर रिजर्व,
और तीसरा क्या है आपका मुकुंडारा हिल टाइगर रिजर्व, ये तीन थे। लेकिन एक चौथा स्थान में और बन गया है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। और राजस्थान का राजधानी जयपुर अशोक गहलोत कलराज मिश्र राज्यपाल, इंद्रजीत महंती मुख्य न्यायाधीश 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सीट है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गोवा का नया राज्यपाल कौन है? अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे गोवा का राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक। अब दिमाग में से उसको डिलीट मारो। अब गोवा का नया राज्यपाल कौन बना है भैया? पीएस श्रीधर पिल्लाई, ऑप्शन नंबर आपका ए। गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। गोवा का राज्य गोवा के अच्छा गोवा का राज्यपाल पूछा है ना, हम लोग अभी पहले पढ़ते थे सत्यपाल मलिक, उसके बाद गोवा का राज्यपाल कौन था, तो जो महाराष्ट्र का राज्यपाल थे ना भगत सिंह कोश्यारी, वही गोवा का भी अतिरिक्त भार संभाल रहे थे। लेकिन अब गोवा का जो है सेपरेट राज्यपाल बना दिया गया है जिनका नाम क्या है, पीएस श्रीधर पिल्लाई। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के मुख्यमंत्री है भैया प्रमोद सावंत। और गोवा के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जो महाराष्ट्र का जो मुंबई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वही गोवा का होगा, क्योंकि गोवा अपना सारा मामला कहां सजा करता है, मुंबई हाई कोर्ट में। कौन है, दीपंकर दत्ता। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हरियाणा का भी नया राज्यपाल बना दिया गया है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल। अब उसको दिमाग से ना डिलीट मार दीजिए। अब आपको क्या याद रखना है, बंदारू दत्तात्रेय ये नया हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। चंडीगढ़ राजधानी खट्टर साहब मुख्यमंत्री है, रवि शंकर झा मुख्य न्यायाधीश, 10 लोकसभा 5 राज्यसभा सीट है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अशोक क्या नाम है इनका संथोलिया को अपना नया मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त, टाइटन घड़ी देखे है ना, टाइटन घड़ी, तो टाइटन जो कंपनी है उस कंपनी ने अपना मुख्य वित्त अधिकारी यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे बना दिया गया है, तो अशोक संथोलिया को, ऑप्शन नंबर सी। टाइटन का गठन कब हुआ था इस कंपनी का, 1984 में। तब फाउंडर इसके संस्थापक कौन है, तो जैरेक्स देसाई और सी के वेंकट रमन, ये वर्तमान में ना सीईओ है टाइटन कंपनी का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, देखो निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने अबू धाबी यानी संयुक्त अरब इमारात में नेशनल ऑयल कंपनी के साथ अबू धाबी में एक नया पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए एक डील साइन किया है, तो रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध, विश्व का धरती का सबसे बड़ा सबसे दूसरा बड़ा जो बांध है जल विद्युत बांध, इसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका बेहतन बांध, जो चीन की निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, एकदम याद रखना बाबू। अच्छा दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कौन सा है, सबसे बड़ा बोला जाए तो वो भी चाइना में, नाम क्या है, थ्री जॉर्ज डैम। एकदम याद रखिएगा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पूछे ना दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कौन सा है, तो थ्री जॉर्ज डैम। वो किस नदी के ऊपर है, तो नाम तो सुना ही होगा आप सभी ने, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध, तो उसका नाम है बेहतन बांध। ये किस नदी बनाया गया, जिनसा नदी के ऊपर, और ये भी चाइना में है और ये भी चाइना में है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, अनिल कांत जो वर्तमान में सड़क सुरक्षा आयुक्त के रूप में कार्यरत है, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य पुलिस का नया प्रमुख किया गया है, यानी अब ना उस राज्य सरकार में जितने भी पुलिस है उनका हेड बना दिया गया है अनिल कांत को, किस राज्य में, केरल में, केरल का राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम, पिनारायी विजयन मुख्यमंत्री, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है, एस मणिका कुमार मुख्य न्यायाधीश, 20 लोकसभा और राज्यसभा। कल सुबह 8 बजे से आपका करंट अफेयर रोज चलेगा, एकदम याद रखिएगा टाइम आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ द्वारा, किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है,
देखो ऑनलाइन जितना धोखाधड़ी होता है ना, साइबर सिक्योरिटी, ये सबसे मजबूत किसका है? यानी वहां के ऑनलाइन धोखाधड़ी सबसे कम होता है, सबसे मजबूत किसका काम करता है संगठन? तो सबसे एक नंबर पर अमेरिका है, बहुत स्ट्रांग है, उन लोगों का तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये सब हैकिंग वैकिंग नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो एक नंबर पर कौन है? अमेरिका। भारत को स्थान क्या दिया गया? दसवां, ऑप्शन नंबर एक, एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देखो T20 2021 जो है, T20 2021 क्रिकेट वाला, ये पहले भारत में होने वाला था, लेकिन अभी कोरोना वायरस इतना फैल गया है ना, अभी अल्फा बीटा गामा हेना तेना, अभी इतना वेरिएंट निकल रहा है, इसके वजह से ना इसको स्थानांतरित कर दिया गया, कहीं और भेज दिया गया। कहां पर भेज दिया गया है? विश्व स्थान भारत से स्थानांतरित। क्या बात है, बहुत लाजवाब हिंदी बोले, स्थानांतरित लिखा भी हुआ है। कहां पर भेज दिया गया है? तो अब 2021 का T20 क्रिकेट प्रतियोगिता कहां पर होगा? UAE ओमान में होगा, संयुक्त अरब इमारात और ओमान में होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। उन्होंने ना भारत को 2600 किलो स्वादिष्ट आम भेजे मोदी जी के लिए, और बोला है मोदी जी आप चूस के खाइए या छील के खाइए या काट के खाइए, लेकिन पूछी नहीं है मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं, ये नहीं पूछी है, क्योंकि इनको पता है मोदी जी छील के ही खाते हैं। इसीलिए मोदी भारत के लिए 2600 किलो स्वादिष्ट आम जो है ना वो बांग्लादेश के द्वारा भेजा गया है भारत के लिए, मोदी जी के लिए, ताकि मोदी छील कर खाएंगे, ठीक है। तो उस आम जो है वो कौन सा आम है, किस किस्म का आम है? तो उस आम का नाम है हरिभंगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, नाम क्या है उनका? सतीश अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर आपका ए। तो ये आपका करेंट अफेयर था। कल सुबह में 8 बजे मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर आ जाइएगा, कल सुबह 8 बजे आपका क्लास चलेगा, एकदम लाइव क्लास। और इसका सारा PDF ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर आप जुड़ रहिएगा Success Key 98, यहां पर लिंक शेयर कर देंगे। लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपके सामने Success Key 98 का वेबसाइट खुल जाएगा। नीचे जाइएगा, जाने के बाद बड़ा कर लिखा होगा डाउनलोड PDF, क्लिक उसके नीचे दिया होगा, क्लिक करिएगा, फोन में डाउनलोड हो जाएगा। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू, आप टाइम निकालकर वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उम्मीद करते हैं ना आपका मेहनत जो है ना वो रंग लाए बहुत जल्दी।